देखते हैं गाइज कैसा बना है। गाइज रोहित ने रोमांटिक गाने शुरू कर दिए। ऑफिशियली रेडी हूँ भाई, मुझे यहाँ सरप्राइज दे दिया। आज ना आऊं, इबे एक दो दिन में वहां जानते पहले आऊंगी। आन की ना कहते हैं हम, का जा मत। एकदम तो प्लान क्यों कर बना है हर की, तो हम क्यों कर चल रहे हैं। इसकी एक जगह भी होती है रखने की। किसे की ना मान रहे वो जाट हो है शहर, जो जाट की ना मान रहे वा हो है जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, और आपका स्वागत है कनिकराना ब्लॉग चैनल पे। तो गाइस खाना वाना बन गया है, रोहित ने तो खा भी ली, मैं और मम्मी रहते हैं बस। अभी मैं बस काम ही कर रही थी और ये सोच रही थी आज क्या व्लॉग बनाऊं। डेली यही भड़क कि क्या व्लॉग बनाना है, कैसे दिखाना है, कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। फिलहाल जो कपड़ों का हाल हुआ है वो दिखाती हूँ, खाना भी मैं बाद में खाऊंगी। चलो दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, सब सूख चुके हैं, हल्का कलर में फ़र्क है बट इतना बुरा हाल नहीं है कि नासे हो जा कपड़ा का। ठीक है, बच गए, नहीं या डूबन तो बच गई, या पहले येलो सी थी या थोड़ी थोड़ी और होगी। सुबह उठते हैं सबसे पहले मैंने नू देखे इन कपड़ा की हालत की हो रही है। चलो कपड़े तो बच गए, मैं रोहित नू कहती एक बार इन पैर पैर के दर दी है, थोड़े वसूल हो जाएंगे दो ओर ना, दोबारे साथ के साथ मशीन में डालती तो डबल पानी वेस्ट, डबल सरफ। एक एक बार पैर के फेर गिर दे तो बेरा है, बच गए वाइट कपड़े। अच्छा क्या हो गया था, बारिश आ गई थी? नहीं कल मैं बताऊं नहीं थी, टिंकी में पानी खराब। टिंकी में मेरे, हाँ हाँ सब नु कह रहे हैं तू टिंकी क्यों क्या, बचपन से टिंकी सुन रखा है। टंकी, हाँ इट्स टंकी गाइस, टंकी। यस टंकी होता है बट वो देसी लोग टिंकी कह दिया करे ना, तो मेरे मुंह से टिंकी निकले, बचपन से टिंकी सुना था। तो बच गए एक बार सुना है, एक एक बार रिश्ता ने पैर लिए, जल्दी जल्दी दोबारा ढलते दू जाएंगे। मतलब ये हल्की येलो है वे नू ना है ना है, देख येलो कर दी चल मेरी टी शर्ट है। हाय देख कैसे रिएक्ट करे है। कल गाइस रोहित की तबीयत खराब हो गई थी, बताया इसको कल भी था सब कुछ, बट ये कल बहुत ज्यादा परेशान था। अब ठीक है, ये तो ठीक है, चाय रोटी पाट रहा है और इसकी डाइटिंग चल रही है। ओ माय गॉड, चलो भाई खाना वाना खा ले। तो गाइस मैं रोहित को ही दिखा रही हूँ, कुछ ड्राई क्लीन करवाना हो इसमें से ही, क्योंकि फिर बाद में ये चिड़चिड़ करता है, मेरे कपड़ा का नाश कर दिया। एक बार बस ये देख ले, ये तेरे नए थे कुर्ते पजामे। नहीं ये थोड़ी पैर मोड़ में। अरे ड्राई क्लीन होंगे तो अभी दिया होंगे ना साथ के साथ। आप सबको मैंने अपना डाइट चार्ट दिखाया था ना, और उसमें पहली लाइन ये लिखी थी कि हमें जो दिन की शुरुआत करनी है वो नट के साथ करनी है। तो ऐसे तो भाई हम बादाम डायरेक्टली खा नहीं सकते, बहुत गर्मी भी हो जाए, तो उसके लिए हम लिया है अगाड़ो का नट मिल्क मेकर। तो अभी दिखाते हैं कितना आसान है इसमें बादाम मिल्क बनाना। तो सबसे पहले प्लग लगा लेते हैं। यहाँ से होगा ये ऑन, इसमें दे रखे हमें 6 ऑप्शंस। इसमें आप बना सकते हो सोया मिल्क, जूस, वाटर, नट मिल्क, सीरियल्स, और इसको लास्ट ऑप्शन है क्लीन करने का, सेल्फ क्लीनिंग। सबसे पहले बादाम डाल दिया, अब इसमें डालेंगे। पहले भाई फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ट्राई करके देख रहे हैं, थोड़ा ही दूध डाल रहे हैं। और ये कवर आपको हमेशा इसी डायरेक्शन में लगाना है, तभी ये ऑन होगी मशीन। ठीक है, अब इसको हम प्रीसेट करते हैं 28, 3। ये वाटर है, हमें करना है नट मिल्क पे। तो गाइज इस पे सेट करके नट मिल्क पे आप वेट करना और ये ऑन हो जाएगी, खुद ही ये मिक्स करना शुरू कर देगी, और ये जो स्टीम्स होती हैं ये निकल रही है ऊपर से। बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये, देखते हैं भाई कैसा क्या बनेगा। आपने क्या लग गया, सही बन जाएगा? इसके बाद भाई हम शेक वेक ट्राई करेंगे इसमें सारी चीज़ें। जो इसकी पावर है वो 600 वॉट है भाई, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 600 ml। बंद हो गया के ना, इवन ना वो बार बार रुक रुक चला गया। तो गाइस बन गया है, अब ग्लास में डाल के देखते हैं कि कैसा बना है। देखते हैं गाइस कैसा बना है। पिस गए? बिल्कुल सारे पिसे हुए हैं। और गाइस ओए बिल्कुल सही में पिस गया सब कुछ, गर्म हो गया दूध। मस्त।
अब किसी को शुगर ऐड करनी हो, हाँ कुछ भी नहीं है, किसी को शुगर ऐड करनी हो तो गाइज इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिक्का दूध बेस्ट दूध। रोहित पियो गाइज इसने सुबह सुबह रोहित के लिए डेली बनाया करेंगे भाई। हाँ रोहित ट्राई बादाम मिल्क, जल्दी आ, कहाँ गया रोहित ने बोल दिया अभी थोड़ी देर में पिएगा। तो अब इसमें सेल्फ क्लीन भी कर सकते हो, इसमें बस पानी डालना है और जो क्लीन वाला ऑप्शन है उस पे जाना है। तो गाइस शेक बनाने के बाद आप इसको क्लीन कर सकते हो, पानी डाल देना और ऊपर से इसको बंद कर देना। ये एरो इधर ही आना चाहिए, अपने आप बंद हो स्टार्ट हो जाएगी सॉरी, और ऑप्शन में जाना सीधा क्लीन वाले पे। अब इसकी क्लीनिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, ये देखो हो ही गई, ऑटोमेटिक क्लीनिंग शुरू हो जाएगी, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक मिनट और इसकी क्लीनिंग ख़त्म हो जाएगी फिर। और हो गई इसकी क्लीनिंग ख़त्म, ये देखो अब इसको फेंक देना और अच्छे से एक बार और वॉश कर लेना। क्लीनिंग के बाद आप इस ब्रश से इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो, ये आपको साथ में ही मिलेगी। तो गाइज कैसा लगा आपको अगाड़ो का नट मिल्क मेकर, मस्त है ना? तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से इसको बाय कर सकते हो। कुकु तू बड़ी हो गई, इतनी शानी हो गई, पोटी कर रही है तू बाथरूम में, ऐ इतनी कैसे शानी होगी रे? चप्पल सारे कहते रोहित की चप्पल है। गाइज घर में इतने पैसे होने चाहिए कि ऐसे सोफे के नीचे मिले रोहित की मेहरबानी है। कुकू तेरे काम है ये देखने के। तो गाइज मैं ऑफिशियली रेडी हूँ ड्राई क्लीन के कपड़े हैं, ऑफिशियली रेडी हूँ, पूरी बात तो सुन ले, ऑफिशियली रेडी हूँ ड्राई क्लीन के कपड़े देने के लिए। तो ये मेरा इसकी जिप भी ठीक करवानी है पर सही है, पर नहीं आता है ठीक के। चलो भाई मिलते हैं सीधा आपको वहीं पे। ये फोन है, ये तू जोड़ा जोड़ा देता है, क्यों कराई है दिखाई है ना? देख देख बता दूँ तो कोई मुझे बेचना नहीं आग रहा है, कुछ ले लो भाई मुझे यहाँ सरप्राइज दे दिया और एक स्पेशल पर्सन आ रखा है शॉप पे, मतलब मेरे तो छोटो मम्मी के बहुत करीब है और मम्मी को भी सरप्राइज दिया उन्होंने आके। प्राइवेसी रीजंस की वजह से उनकी हम दिखा नहीं सकते कौन है, पर आज मम्मी ने देख कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अभी मैं जा रही हूँ ड्राई क्लीन के कपड़े उठाने और कुछ देने। लो भाई सामान निकल रहा है मेरा सारा ड्राई क्लीन का, और कुछ ये दिया गया और ये बेर है, कितने दिन में आया है? कम से कम एक महीने में। यो हाल है पता है, बीच से हमारी प्रेस भी मैं खुद देख रहने लगी, हम देते दे कपड़े ठाण का भी टाइम नहीं होता। ऑल द बेस्ट आज ना आऊं, इब एक दो दिन में वहां जानते पहले आऊंगी। आने की ना कहते हम लोग जा मत। अच्छा ना जाऊंगी, मैंने काम करने जाकर कहीं तेरे काम करने आ रहे, इतने पार्सल पेंडिंग पड़े हैं, बहुत काम है बहुत। तो गाइस जिन्होंने सूट ऑर्डर कर रखे हैं, जिनके अभी तक पार्सल नहीं मिले हैं, तो देख लो बिल्कुल आपकी कार्यवाही चल रही है, मिल जाएंगे कुछ सूट। मान लो अगर 100 पीस आ रहे हैं और 104 ऑर्डर आ गए, तो जो 4 जने हैं बाद के उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सूट आ जाएगा पर थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। सबके सूट आऊँगे, सबकी पेमेंट हमारे पास आ ली तो सबके सूट भी थारे दूरे पक्का आ जाएंगे, थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है बस। कि मैं चालू पर तुम चाय पी आओ, हो चाय पी मस्त चाय पी के फिर जाऊँगी घर। तो गाइस मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी और वही ढूंढते ढूंढते आ गई हूँ मैं शॉपिंग मॉल, यहाँ से लेके फिर जाऊँगी सीधा घर। भाई मैंने सोची थी अपनी ज़रूरत का सामान उठाऊँगी और निकल लूँगी यहाँ से, और अब आलतू फालतू चीज़ों में लग चुकी हूँ मैं, देख रही हूँ कुछ देख के ही समझ आ जाए कि ये लेना है। लो भाई सामान ले लिया है, अब सीधा घर चलते हैं
और देखते हैं आगे क्या प्लान है। रोहित ने कुछ ना कुछ तो सोच रखी होगी। आज मैंने धार तक गई थी ना, कुछ नहीं बेरा के करेंगे हम, पर जो होगा लाइव दिखाऊंगे कि के चल रहा है। और एकदम तो प्लान क्यों कर बना है कि तो हम क्यों कर चल रहे हैं। आई एम बैक, और तेरे को पता है मैं क्या लई? तेरी फेवरेट कुकीज़। हालांकि अब हमने सुबह रूटीन चेंज कर रखा है, पर जब तू बदल जाए जैसे अभी बदल गया। कहीं जिसने आते ही मुझे कहा मेरे लिए चाय बना दे। रोहित आज कौन आएगा? बुखार था अभी, मैं चेक किया। अच्छा झूठ। दवाई ले लूँगा अपने घर। अच्छा कुकू सच बता, She is with you, not with me. और मशीन में कपड़े डाल दूँ, वाइट तो सूख गए हैं, इतने ये भी धुल जाएंगे। इतने में जाकर मम्मी और रोहित के लिए चाय बनाती हूँ, मैं तो ना पीऊँ। दुकान पे भी ऑफर करी पर मेरा जी ना करा आज चाय पीने का, गर्मी सी हो रही है बहुत। गाइज रोहित ने रोमांटिक गाने शुरू कर दिए मेरी चाय पीने के बाद। चाय बता कैसी है? अच्छी है चाय, सुनना मेरी बात है। तो गाइस शुरुआत हो चुकी है रोहित को वाइट पहनाने की। ये वही सारी टी शर्ट्स हैं जो थोड़ी गंदे पानी में धुली हैं। एक एक बार फिर आ गए थे, जब दूंगी नू नहा नू की नू पानी में गिर दू। वो भी हम कितनी देर पह रहे, एक दो घंटा पह रहे हैं। गाइस तो बात करी थी नू के, तू किस तो बात करे थी बोला मैं गाइस तो बात करूँ थी। कल एक कमेंट आ रहा कनिका आप डांस पूरी वीडियो में आपका डांस सबसे अच्छा लगा। फिर मैंने पूरी वीडियो में देखे मगर मैं डांस कहाँ कर रही हूँ। फिर मेरे याद आया मगर वे रोहित की रील चल रही थी उन पर जो मैं डांस करूँ थी। कल तूने एक सीन नहीं देखा उसका, अभी तक रोहित को पता नहीं है कि मैंने कल ये किया उसके साथ। बताती हूँ, कल जब तू रील्स देखने लग रहा था ना, तू जो भी रील चला हुआ है उस पर मैं डांस करूं। ले होगी प्रेस चले। मैं बता रहे हैं भाई रोहित, आज हम कुकू को लेके जा रहे हैं द्वारका इसकी कटिंग करवाने। हाय एवरीवन, आज मेरी बारी आ गई है, इन लोगों को मेरी याद आ गई है। छोटी होगी यार, शीशे आंगन में मंड रहा होगा। रोहित तो रेडी हो गया है, एक बार कपड़े उतार के और जो अगले धो रखे हैं उनको सुखा के, उसके बाद मैं भी कपड़े चेंज करके भागती हूँ। मैंने काफ़ी लेट करवा दिया गाइज रोहित को, गुस्सा होने वाला है। और वो मैं रेडी हो गई हूँ गाइज, और रोहित कर रहा है जब तक एक शूट। अरे मैं कर रही होती ना तब तक मैं जो संगवा दूँ के हो रहा कमरे का। मैं और रोहित जा रहे हैं द्वारका, और कुकू भी चल रही थी बट अब टाइम रहा नहीं है, तो मम्मी इसको पार्क लेके जा रही है। आ जाओ। हाँ मम्मा की शादी जाएगी तू, जा जा जा। बस बस आ गई मम्मी, चलो बस। भाई हम द्वारका क्यों जा रहे हैं अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था, तो आपको शाम को 4 बजे रोहित के चैनल पे पता चलेगा। तो अभी द्वारका आने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस आ गए हम बड़े शॉर्ट में घूम फिर के, और आते ही देखो ये ऐसे कपड़े फेंकता है। इसकी एक जगह भी होती है रखने की। हाँ रख दे वहाँ सुबह सुबह। अरे राम थक गया आज तो, और भाई आज तो लेट भी नहीं हुए, 10-15 तक घर पे आ गए, और फिर भी अभी घर पे आए तो मम्मी सो रही थी, मारी आवाज़ तय उठी दोबारा। अरे कुकू दरवाजे पर खड़ी थी। अब मैं करती हूँ अपना बचा कुचा काम। दोबारा जाओगी? हाँ क्या करेगी दोबारा? अपना नई सूट लेकर आऊंगी। टोन देखी इसकी? मैं कहती दोबारा अलमारी सेट कर लेती हूँ रात में। अलमारी सेट रात में? क्या कर रहे हो? किसी बात कर रहे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कल रात को भी सो गई थी, ये काम वाम निपटाया खत्म करा, उसके बाद ब्लॉग बनाना मैं भूल गई थी। फिर मैंने सोचा लाइट्स ऑफ होने के बाद अब बनाऊँ, चलो छोड़ो कल ही सुबह बनाऊँगी। तो आज सुबह उठते ही मैंने ब्लॉग बनाया, और मैं कमेंट्स देख रही थी कि भाई पिछले ब्लॉग में क्या कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें लेज़र के बारे में बहुत कुछ पूछ रखा था,
कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, तो उनको चलो क्लियर करते हैं। सबसे पहले सब ये पूछ रहे थे, जो टॉप क्वेश्चन आ रखा था कि लेज़र का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता, तो लेज़र का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने 7-8 बार करवा लिया है और जिस मशीन से मेरा लेज़र होता है वो वर्ल्ड की बेस्ट लेज़र मशीन है, क्योंकि इससे पहले जो मशीन आती थी ना नीडल की तरह काम करती थी, ऐसा लगता था नीडल लग रही है। बहुत ज़्यादा पेन होता था क्योंकि मम्मी ने करवाई थी लेज़र। और अब की जो मशीन अब आ चुकी है भाई, बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत मस्त है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि पेन है। पेन अगर हल्का फुल्का होता भी है तो पता है पेन क्या होता है, पेन तो होता ही नहीं है, हल्का सा ऐसा लगता है जैसे गरम गरम। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि लेज़र से बाल ही नहीं आते। देखो लेज़र एक तरीके से यही है कि शुरू में आपको लेनी पड़ेगी सिटिंग एक एक महीने के गैप में। मैंने शुरू से ही लापरवाही करी है, शुरू से ही बहुत बहुत टाइम में मैंने सिटिंग्स ली हैं। जो मेरी पहली सिटिंग थी वो शादी से पहले ही थी, और अब देख लो 1.5 साल से ऊपर और 2 साल से कम होने वाला है, लगभग 2 ही साल मान लो। और 2 साल में मैंने सिर्फ 7 या 8 सिटिंग ली है, जबकि 7 या 8 सिटिंग एक साल में ही बनती हैं। तो इसलिए थोड़ा मेरा कोर्स बहुत पीछे चल रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है प्राइस का, कि प्राइस क्या है। प्राइस सबके अलग अलग होते हैं, कोई पैकेजेस लेता है, किसी को हाथ हाथ की करवानी है तो हाथ हाथ के पैसे हैं, मतलब हर पार्ट्स के अलग अलग पैसे हैं। फुल बॉडी लेना है तो उसके अलग पैकेजेस हैं, और ऐसे ही है। मतलब आप, मैं तो क्या ही बताऊंगी भाई, जिसका काम है वो ही प्राइस बता सकता है आपको। तो जो नंबर दे रखा था, चलो एक बार और दे देती हूँ, तो एक बार और देख लेना, बाकी वो ही बताएंगे प्राइस का। तो कमेंट्स में मेरे से मत पूछना, सब कुछ अलग अलग है, मैं तो तब से कर रही हूँ। और क्या क्वेश्चन आ रहे थे, और ये भी पूछ रहे थे और क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं। भाई ये जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं ना, वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता पाऊँगी। क्वेश्चंस से मैंने क्लियर कर दिए हैं, अब आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। गुड मॉर्निंग रोहित, क्या हुआ, टेंशन से लग गया, लग रही है ना गाइस रोहित के फेस पे कुछ टेंशन सी। अरिया मैडम नो सुनी थी, जानवर सुबह जल्दी उठ जाए, जो की सा जानवर है हमारे घर, जो मारते पहला सोया और मारते बाद में उठा है। ए कुकु कुकु, बस पूछ हिला देगी, हो जाएगा काम। चलो भाई आज क्या पहन के जाऊँ, रोज की है टेंशन, क्योंकि वे कपड़े भी बचाने हैं जो मैंने वानी लेकर जाने। देखो गाइस रोहित फ्रेश होते क्यूकर भाग आया है, डीके एनवाई का रहा है, वो सेल नहीं चल गई ऑनलाइन, गेस्ट का भी आ रहा है, आ तो रहा है पर क्या करें, कुछ शॉपिंग बिना बात के लिए लो भाई मैडम भी अंगड़ाई तोड़न लग गई, इसका फ्रेश होने का टाइम आ गया, ले गया रोहित बाहर। क्या होगी सुसु पोटी, करी है दोनों चीज, कोई भरोसा नहीं, सुसु तो कर रखा है, आ जा, मन मर्जी है भाई यार, खचड़ खचड़ कर लग जाए इस पे, यूं ऐसे करने लग जाए अपने आता है सीधा गई। ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, अभी बैठ के मैं एडिट कर रही हूँ, और एडिटिंग साथ के साथ चल रही है, वीडियो क्लिप भी साथ के साथ बन रही है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, बहुत लेट हो गई, 9:30 9:40 तक मेरे को मेट्रो स्टेशन पहुँचना था, 9:10 है तो भागो। तो गाइज आई एम रेडी, आज मैंने ये पहना है, और जल्दी से बाल वाल कर लूँ, बस यही रहते हैं, उसके बाद मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ज़रूर देखना मैंने क्या सिलेक्ट किया और अब की बार कौन सा कलर लेने वाली हूँ मैं। बाय बाय।